चीज बॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 उबले हुए आलू, जिसको मैंने प्रेशर कुकर में बॉईल नहीं किया है। मैंने नॉर्मल एक बर्तन में 20 मिनट्स अराउंड लो मीडियम फ्लेम में बॉईल कर लिया है। तो अभी हम इस आलू को अच्छे से छील लेंगे। अभी हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। अभी हम इसमें देंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, या आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दे रहे हैं 1/4 कप कॉर्नफ्लावर एंड 1/4 कप मैदा। मिला लेंगे इसको अच्छे से। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। मिला लेंगे इसको अच्छे से। मैं सजेस्ट करूंगी सॉल्ट को लास्ट में ऐड करने के लिए, आप चाहे तो इसको पहले भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम एक बर्तन में ले लेंगे 3 टेबलस्पून मैदा। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और मिक्स करते रहेंगे। एक साथ ज्यादा पानी देने से लम्स आ सकता है, इसीलिए थोड़ा करके ही पानी ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून मैदा के जगह आप चाहे तो 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी ये अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गया है। मैंने मेजरिंग कप से इसमें टोटल 1/2 कप पानी ऐड किया है। बैटर का कंसिस्टेंसी अभी आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा गाढ़ा और पतला हम नहीं करेंगे। बैटर है यहाँ पे और है थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स, और मैंने लिया है मोजरेला चीज, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया है। आप चाहे तो इस बैटर में ब्लैक पेपर पाउडर और रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी हम इसमें से थोड़ा सा लुई लेके हथेलियों में रोल कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा प्रेस करके फ्लैट शेप दे के साइड को पतला और मिडिल को मोटा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ इसको। उसके बाद हम एक क्यूब चीज लेके मिडिल में रख के किनारों को बंद कर देंगे और फिर हाथों में रोल करके राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम डीप करेंगे बॉल को बैटर में, कोट कर लेंगे इसको। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डाल के रोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हुआ है ये। देख सकते हैं कि मैंने सभी बॉल्स को अच्छे से बना लिया है। तो चलिए अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तेल को अच्छे से गरम करने के बाद मैं फ्लेम को लो में करके बॉल्स को छोड़ दूंगी इसके अंदर। तो अभी हम लो फ्लेम में 3 मिनट्स इसको फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम में फ्राई करने के बाद मैं फ्लेम को मीडियम में करके और 1 मिनट इसको फ्राई कर लूंगी। उसके बाद हम सभी चीज बॉल्स को पलट देंगे और फिर से 2 से 3 मिनट लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। आप अगर इससे भी ज्यादा ऑयल यूज करेंगे तो आपका ये प्रोसेस एक ही बार में हो जाएगा, जो मैं 2 बार में पलट पलट के कर रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से कितना अच्छा कलर आ गया है। तो अभी हम फ्लेम को मीडियम में करके 1 मिनट पलट पलट के चारों साइड से फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट बाद हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हुआ है, बहुत डेलीशियस हुआ है ये। चलिए मैं आपको अभी एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसमें और ज्यादा चीज डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा कम ही चीज इसमें यूज किया है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक बटन में क्लिक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।